की रेस तो मैं जीतूंगी। नहीं इश्मल, मैं जीतूंगा। जो बच्चा सबसे पहले उस पॉइंट पर पहुंचेगा, और हम आप भी सुन लो, जो बच्चा सबसे पहले उस पॉइंट पर पहुंचेगा वो आप दोनों में से विनर होगा। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले उस पॉइंट पर कौन पहुंचता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, सो लेट्स स्टार्ट द रेस। Yes, इश्मल जीत गई। नहीं 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 इश्मल, आपने चीटिंग किया। अरे भाई, मैंने तो नहीं चीटिंग किया। पापा, इसने चीटिंग किया। इश्मल, आपने चीटिंग की है। नहीं पापा, नहीं की चीटिंग। और हम छोटी बहन तो कह रही है कि उसने चीटिंग नहीं की। नहीं पापा, इसने किया। क्या हुआ था? पुश किया। आपने अरहम भाई को पुश किया था? नहीं पापा, मैंने तो नहीं पुश किया। और हम इश्मल तो कह रही है कि मैंने पुश नहीं किया था। मामा से जाके पूछ ले, मामा भी देख रही हैं। बात सुने जी, आप बताएं कौन रेस जीता इन दोनों में से? रेस तो इश्मल जीती है। अच्छा, लेकिन चीटिंग से। इश्मल, मामा भी कह रही हैं आपने चीटिंग की है। नहीं, मेरी बेटी कैसे चीटिंग कर सकती है? इतनी समझदार मेरी बेटी है, वो चीटिंग कर ही नहीं सकती। उसने अरहम को पुश किया था। चलो बच्चो, आओ शाबाश, इधर बैठो, मेरी बात सुनो। चलो दोबारा रेस कर लेंगे। पापा, मैंने नहीं इसके साथ रेस लगानी, इसने मुझे पुश किया है इतनी जोर से। पापा, लास्ट टाइम जब हमने रेस की थी, अरमान ने मुझे पुश किया था, इसलिए मैंने इसको पुश किया है। नहीं पापा, मैंने नहीं किया था, झूठ बोल रही है इश्मल। पापा, इसने सच्ची में मुझे पुश किया था। देखो बच्चों, हम जब भी किसी मुकाबले में हिस्सा लें तो हमें चाहिए कि हम इसमें फेयर तरीके से पार्टिसिपेट करें। चीटिंग करके तो हर कोई जीत सकता है, मज़ा तो तब है कि हम अपनी हिम्मत और हौसले से मुकाबला करके जीतें। हार जीत तो गेम का हिस्सा है, कभी इंसान जीतता है और कभी हारता है। और अगर आप गेम हार रहे हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप गेम में चीटिंग करें। और अरहम, इश्मल कह रही थी कि लास्ट रेस में आपने उसे पुश किया था। बच्चे हमेशा बड़ों से सीखते हैं, यही वजह है कि उसने आपको आज की रेस में पुश किया। तो आइंदा से आपने भी ऐसे नहीं करना, ओके? देखो इश्मल, आपने अरहम भाई को पुश किया है तो ये बहुत बुरी बात है, आइंदा आपने ऐसा नहीं करना। चलो मेरा बेटा, अब अरहम भाई से सॉरी करो आप। सॉरी अरहम भाई, मैं आइंदा से नहीं करूँगी। इट्स ओके इश्मल। और अरहम, आप भी बात सुनो, आपने भी लास्ट टाइम छोटी बहन को पुश किया था, ये बहुत गलत बात है। चलो अब आप भी छोटी बहन से सॉरी करो। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे आप दोनों। मेरा बेटा, एक दूसरे को कभी भी तंग ना किया करो और एक दूसरे के साथ मिलकर खेला करो। चलो अब आप जाओ और अपनी स्कूटी लो और दोनों मिलकर खेलो, ठीक है मेरा बेटा? ओके पापा।